चौथे किस्त जो है धान बोनस किसानों के लिए जो है इस वक्त की जो है आम सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने काफी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान जो है आप सभी के लिए किया है। जी हाँ, जितने भी वादे आप लोगों से बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा उन सभी वादों को, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को जो है पूरे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो धान जो चौथी किस्त का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं। जैसे कि धान की जो है चौथी किस्त की बात करें तो ये चौथी किस्त की जो शुरुआत हुआ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। और जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी छत्तीसगढ़ में, तो 3 किस्तों का पैसा उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। और 1 किस्त का बोनस का पैसा जो अभी तक के आपका जो है चौथी किस्त में है, वो 1 किस्त का पैसा बचा, यानी कि चौथी किस्त का पैसा अभी तक का बचा हुआ है और अभी तक छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिला है। जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के सभी किसान यही सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं कि हमें वो राशि जो है, हमें वो पैसा जो है मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमें जो है कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं और धान के जो है चौथे किस्ते का बोनस का ऐलान जो है आप सभी के लिए हो चुका है। जी हाँ, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं जो आप सभी के लिए जारी किए जाते हैं, वो सभी काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है किसान, किसानों के खातों में धान का पैसा आएगा इस दिन से, और 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसान अपना धान जो है बेच पाएंगे। और इसके साथ ही किसानों का कर्जा माफ भी होगा और 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त जो है सिर्फ एक ही बार में आपके पूरे के जो है पूरे पैसे एक ही बार में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, उनमें से हर एक अपडेट, उनमें से हर एक चीज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उनमें से हर एक चीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, और सभी लोग यही सोचते हैं कि कैसे भी करके किसी भी तरह से हमें जो है गवर्नमेंट जॉब मिल पाए, हमें सरकारी नौकरी मिल पाए, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा फिर नहीं मिल पाएगा, सरकारी नौकरी मिल पाएगा भी या फिर नहीं मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल अब किसी भी तरह से परेशानी या किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के गवर्नमेंट आ चुके हैं और आप सभी के लिए एक के बाद एक जो है जितने भी अपडेट है, जितने भी घोषणा पत्र हैं, उन सभी घोषणा पत्र को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को जो है पूरे किए जा रहे हैं, ताकि आप सभी को जो है बेहतर से बेहतर लाभ और आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए अपडेट निकाले जा सके, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो चौथी किस्त जो है धान बोनस किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। तो धान के जो है चौथी किस्त का बोनस का पैसा जिसका इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं, और थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सीधा एक ही बार में छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के, सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसे, पूरे के पूरे जो है आपके बैंक अकाउंट में, पूरे के पूरे जो है आपके खातों में पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, हर एक वर्ग की सरकार है, आप सभी के हर एक सपनों को पूरा करने के लिए, आप सभी के हर एक ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम किए जाते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी चीजें आप सभी के लिए ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, तो धान के जो है चौथे किस्ते का बोनस का भी पैसा
आप सभी को जो है मिलने वाला है। तो बेशक के लिए अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, वो सभी मैनिफेस्टो, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी चीजें आप लोगों के लिए ही निकल कर आते हैं और वो हर एक चीज आपके लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो धान की जो है चौथी किस्त का बोनस का पैसा आपको जो है मिलने वाला है। बिल्कुल किसी भी तरह से परेशान, आपको किसी भी तरह से परेशानी फेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसानों के खातों में जो है धान का पैसा इस दिन से आ जाएगा और 21 क्विंटल जो है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान आप बेच पाएंगे और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है सिर्फ एक मुश्त, जी हाँ सिर्फ एक मुश्त, सिर्फ एक ही बार में पूरे चीज के पूरे राशि, पूरे के पूरे जो है पैसे आपको जो है भुगतान कर दिए जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे हर एक अपडेट जो है आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, हर एक वर्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं। और 1 लाख पदों पर जो है सरकारी नौकरी, 1 लाख पदों पर आप लोगों के लिए सरकारी भर्ती भी होने वाला है। जो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। जी हाँ, 1 लाख पदों पर जो है भर्ती होगा और 1 लाख जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से 1 लाख भर्ती, 1 लाख पोस्ट जो है कम नहीं होता। क्योंकि जितना ज्यादा आप तैयारी करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना ज्यादा आप स्टडी करते हैं, जितना आप प्रिपरेशन करते हैं, उतने ही ज्यादा आपको कामयाबी और उतने ही ज्यादा सफलता और उतने ही ज्यादा शोहरत, उतने ही ज्यादा बुलंदी, उतने ही ज्यादा आपको नेम फेम, उतने ही ज्यादा नेम फेम पैसा और रुतबा, सभी चीजें आपको मिल पाते हैं। तो हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज मुमकिन है अगर आप कोशिश करोगे तो। हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अगर आप अच्छे से अपने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको जो है डेफिनेटली है कि अवश्य रूप से आपको कामयाबी मिल पाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 लाख गरीब परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा मिलने वाला है। तो ये सभी अपडेट आप सभी के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, आई होप जितनी भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। जी हाँ, चैनल पर नया आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना। एंड वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके हमको वीडियोस को शेयर करना है, ताकि आप सभी को इसी तरह से नए नए जानकारी, नए नए अपडेट के बारे में पता चल सके। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। धन्यवाद, कोई डाउट हो कमेंट करना। धन्यवाद।